होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो चलिए देखते हैं। वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार होती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं। आर्थ्रोपोड बोन डिजीज यानी कि आर्थ्रोपोड, जिस भी कीट को तीन जोड़े यानी कि तीन जोड़े का मतलब है कि छः पैर या उससे अधिक पैर होते हैं, उससे होने वाले डिजीज के बारे में हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मैंने वही क्वेश्चन उठाया है, जैसे मॉस्किटो यानी कि मच्छर, मलेरिया इससे फैलता है, फाइलेरिया इंसेफ्लाइटिस फैलता है, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई जो घर में मक्खियाँ उड़ती हैं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे इससे कॉलरा होता है, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री एंड पोलियोमेलाइटिस। नेक्स्ट है सैंड फ्लाई, जिससे काला ज्वर, सैंड फ्लाई फीवर और ओरिएंटल फीवर सोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेड फ्लाई, रेड फ्लाई से ब्यूबोनिक प्लेग एंड एपिडेमिक टाइफस होता है। ब्यूबोनिक प्लेग का मतलब होता है गिल्टी, जगह जगह शरीर में गिल्टी बनने लगती है। नेक्स्ट है इच माइट, जिससे स्कैबिज खुजली वाला जो दांत खाज होता है ये हो जाता है। और देखते हैं मस्कीटो का जो टाइप है, अपने इंडिया में इसको चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है एनोफ्लीज, ये क्या करता है पूरी तरीके से ट्रांसमिटेड करता है, मलेरिया को फैलाता है। नेक्स्ट है क्यूलेक्स, ये जो है फाइलेरिया को एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस को फैलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एडीज, एडीज जो है ये पूरी तरीके से ट्रांसमिट करता है येलो फीवर और डेंगू को। नेक्स्ट है मैंसोनिया, ये ट्रांसमिट करता है मलयालन फाइलेरिस एंड चिकनगुनिया फीवर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमेशा रिपीट हुए हैं, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।